हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही रीसेंट जजमेंट करेंगे जो कि अभी कल ही आया है 5 दिसंबर को। सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये जो है हमारा सेक्शन 319 पर बेस्ड है ऑफ सीआरपीसी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। कुछ सेक्शन होते हैं ना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ दोज इम्पोर्टेंट सेक्शन। ऑलरेडी सेक्शन पे हमारे पास एक 5 जज बेंच की जजमेंट है, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बट और क्लैरिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट थी, तो अब कल ही दैट टू ऑल्सो 5 जज बेंच की जजमेंट आई है, जहाँ पे 12 गाइडलाइंस जो है दी गई है। ये गाइडलाइंस दी हैं जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस गेवाई, जस्टिस बोपन्ना, जस्टिस रामा सुब्रमण्यम एंड जस्टिस बीवी नागरकर, राइट। मैं आपको पहले थोड़ा सा सेक्शन 319 के बारे में बता दूँ। 319 सीआरपीसी ये बोलता है कि अगर ट्रायल या इंक्वायरी के दौरान कोर्ट को लगता है कि कोई और पर्सन अदर देन जो ऑलरेडी अक्यूज्ड है वो अक्यूज्ड हो सकता है, तो कोर्ट उसको एडिशनली समन कर सकती है, बुलाकर एविडेंसेस लेकर लगता है कि हाँ इसको भी अक्यूज्ड बनना चाहिए तो उस पर भी ट्रायल स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। बट ऐसे ही तो नहीं कोर्ट किसी को भी बुलाएगी। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग एविडेंस। ये बोलता है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट पहले एविडेंसेस देखेगी, और एविडेंसेस देखने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एविडेंसेस मिल गए तो कोर्ट बुला ले, अपना जुडिशियल माइंड भी अप्लाई करेगी। सो इफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट को एविडेंस मिलता है और उसके बाद अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद लगता है कि यस किसी पर्सन को हमें बुलाना चाहिए एज एडिशनल अक्यूज, तो कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पर, एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर कोर्ट जो है बुला सकती है, राइट। और जब जिस टाइम एडिशनली उस एक्यूज्ड को बुलाया जाएगा, जो ट्रायल ऑलरेडी चल रहा था, जो इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही थी, वो पॉज हो जाएगी, क्लियर। अब पॉज होने के बाद कोर्ट सबसे पहले ये डिटरमाइन करेगी जो पर्सन एडिशनली एक्यूज्ड की तरह बुलाया गया था समन से, वो एक्यूज्ड है भी कि नहीं, क्लियर। उसके बाद फिर कोर्ट अपना उस पर डिसीजन सुनाएगी, ठीक है, कि इफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज यस कि हाँ वो है अक्यूज या नहीं, उसके बाद ही वो आगे चलेगी। फोर्थ पॉइंट, इफ समनिंग ऑफ द एडिशनल अक्यूज इज पास्ड। अब समन तो कोर्ट ने कर दिया कि हाँ कोर्ट ने उसको समन करना है, फिर एविडेंसेस वो लेंगी। अब एविडेंसेस किस तरह के होने चाहिए, ये हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बताया गया। जो एविडेंस है नॉर्मल एविडेंस नहीं, प्राइमा फेसा एविडेंस नहीं, एविडेंस का जो लेवल होना चाहिए दैट हैज टू बी मोर देन द प्राइमा फेसा केस। मतलब कंक्लूसिव एविडेंस भी नहीं, प्राइमा फेसा भी नहीं, लेकिन इतना कि कोर्ट सफिशियंटली उस पर रिलाई कर सके कि हाँ इस पर्सन को हमें एडिशनली एक्यूज जो है बनाना पड़ेगा। फिर कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करने के बाद, उसको जब कोर्ट ने समन किया है, अब कोर्ट उसको ट्राई कर सकती है, चाहे तो उसी एक्यूज जो ऑलरेडी था ट्रायल में उसके साथ, या चाहे सेपरेटली उसके साथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में, अगर तो वो डिसीजन जो है जॉइंट ट्रायल का कोर्ट लेती है तो क्या है, फ्रेश ट्रायल स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज डी नोवो ट्रायल, दैट इज कॉल्ड एज डी नोवो ट्रायल, ठीक है। तो अब क्या होगा, उस जॉइंट ट्रायल में जो ऑलरेडी अक्यूज था और जो नया अक्यूज बना है उनका फिर से ट्रायल होगा, सारे एविडेंसेस फिर से होंगे, जो ऑलरेडी हो रखे उनको रिसमन किया जाएगा और जिनको नया भी बुलाना है उनको भी बुलाया जाएगा। बट अगर कोर्ट ये बोलता है कि नहीं, जो नया अक्यूज है उसको सेपरेटली करना है, तो क्या होगा, पहले अब हमें दूसरे को तो हमने पॉज कर रखा है, तो उसको अब हम उसका ट्रायल अलग चलेगा, अब कोर्ट जो है वो पॉज्ड को कंटिन्यू कर सकता है। नाउ उसके बाद जब वो कंटिन्यू हो रहा है, तो जो पहला वाला केस है अब उसमें एक्यूज जो है एक्विट भी हो सकता है और उसमें जो एक्यूज है कन्विक्ट भी हो सकता है। इसका फर्क दूसरे वाले न्यू केस पर नहीं पड़ेगा, चाहे तो वो एक्विट हो जाए। अगर एक्विट हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा एक्यूज नया बना है वो भी एक्विट हो जाएगा, उसके डिफरेंट मटेरियल्स हैं। और जो फर्स्ट में जब वो कन्विक्ट हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड वाला भी कन्विक्ट हो जाएगा, दोनों का मटेरियल जो है अलग अलग है। नाउ जब कोर्ट ने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया है, ठीक है, इफ द पावर जो कोर्ट ने एक्सरसाइज करा है कोर्ट
कोर्ट को लगता है ये पावर मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए थी, बट कोर्ट ने कर दी, मतलब समन कर दिया कोर्ट ने। कोर्ट को दोनों तरह से आर्ग्यूमेंट्स तो सुनने पड़ेंगे ना, मतलब एक्यूज्ड की भी कोर्ट को बात सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ एविडेंस देख के अपना डिसीजन दे दिया। एक्यूज्ड को पूरा के पूरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा ये चीज बोलने के लिए कि नहीं, जो नया एक्यूज्ड है कि नहीं मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। तो कोर्ट हैज टू एक्सरसाइज नेचुरल जस्टिस, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स सुनने के बाद ही कोर्ट जो है डिसाइड करेगा। तो ये जो आपका जो पूरा की पूरा प्रोसीजर था, अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये है कि अब कोर्ट ये बोलता है कि किसी भी स्टेज पे ये पावर एक्सरसाइज हो सकती है, बट एविडेंसेस लेने के बाद ही होगी। एंड उसके बाद तब तक जब तक कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करता कि उसको सेपरेटली ट्राई करना है या जॉइंटली या ट्राई करना है कि नहीं, तब तक जो ट्रायल पहले चल रहा था वो पॉज हो जाएगा। जब कोर्ट ने डिसाइड कर लिया तो नाउ द न्यू अक्यूज्ड अगर सेपरेटली है तो दूसरा वाला चलता रहेगा, पहला वाला अपना चलता रहेगा, एक का दूसरे पर फर्क नहीं आएगा। अगर कोर्ट कहता है जॉइंटली तो अब फिर से डी नोवो, सी नाउ इट विल स्टार्ट डी नोवो, ठीक है, और एक का दूसरे पर फर्क नहीं आएगा। सो दिस इज ऑल जो कि इस डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आपसे किसी भी अब जुडिशियल एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि गाइडलाइंस लिखिए इस केस की, ये 12 गाइडलाइंस दी गई हैं, यू हैव टू डू दैट। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।